बहु प्लाजा जो जम्मू का सबसे बड़ा कमर्शियल सेंटर है, उस कमर्शियल सेंटर में आज हंगामा हुआ। हंगामे का कारण था पार्किंग फीस जो 15 से 25 कर दी गई है। वहां के दुकानदारों का ये कहना था कि अगर 25 रुपया पार्किंग फीस होगी तो 15 रुपए की कॉफी पीने के लिए बहु प्लाजा में कोई क्यों रुकेगा। आइए पहले आपको हंगामा दिखाते हैं और उन दुकानदारों की बातें भी आपको सुनाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि TSL इस पर क्या सोचता है। जम्मू के अंदर कोई भी पार्किंग जो है वो नहीं छोड़ी है, ये सारी इन्हीं मिल भगत है, ये बदमाश है, ये बदमाश करके हमें कहते हैं आपकी औकात क्या है, आपकी दुकानों की औकात क्या है, ये बदमाशी करने हमें मारने आ रहा है, ये अपने गुंडे लेके ये बदमाश बाल रखे इन्होंने जेडीए वालों ने, जेडीए इनसे पैसे लेते हैं, बदमाश बाल रखे मीडिया के सामने देख रहे हैं, मीडिया के सामने पर्चा लगाओ इसके खिलाफ, ये मारना है सानू सारे मीडिया के सामने देख लो तुझे बोल रहे। हम शांतिपूर्वक कर रहे थे, हमने बड़े पीसफुल तरीके से बंद रखा था, ये आके हमें उकसा रहा है, ये या तो वीसी ने भेजा है या ये बदमाशी हमसे करने आ रहा है, ये बदमाशी आप क्या जो क्या करना चाहेंगे सर, यहाँ पे आपकी कोई डिमांड रहेगी किसी की वीसी को बुलाएंगे भी हम बदमाशी है ना, ये ठेकेदार उठो ले आपको फाइनल लेंगे हम पैसे भी देंगे पार्किंग का और इसके खिलाफ पर्चा लगाया खत्म करना है और ये पार्किंग का ठेका नहीं लेगा आगे इसको खड़ा नहीं मिलेगा इसको नहीं रहने देंगे बहुत ज्यादा में, आपकी पर्टिकुलर डिमांड रहेगी यहाँ पे किसी को बुलाने की हम चाहते हैं
दुकानदारों को आपने सुना, हंगामा भी हुआ और जो पार्किंग के लोग हैं उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई। यहां पर टीएसएल के माध्यम से दो सवाल सीधे सीधे जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और जेडीए जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को। पहला सवाल ये कि क्या ये जितनी भी पार्किंग है ये तमाम सरकारी अफसरों के लिए एक जैसी है? क्या ये जो पार्किंग फी आप लेते हैं 25 रुपया जो आपने इतना इंक्रीज करा हुआ, ये किस आधार पर आपने बढ़ाया है? जम्मू के अंदर कौन सी ऐसी इंडस्ट्री रातों रात आ चुकी है? जम्मू की पर कैपिटा इनकम रातों रात इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई है कि आपको लगता है कि जम्मू का एक आम नागरिक 25 रुपए की पार्किंग फी दे सकता है? और ये कहां तक जस्टिफाइड है कि 25 रुपया एक आदमी पार्किंग फीस दे और उसके बाद 15 रुपए की वहां पर कॉफी पिए? ये स्वाभाविक सवाल है जो वहां के दुकानदार पूछते हैं, यही सवाल टीएसएल भी पूछेगा। दूसरा, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने रेजिडेंसी रोड हो या जम्मू का दूसरा कोई भी इलाका हो, आपने देखा होगा सड़कों के साथ में पार्किंग बनी हुई है। हम ये जानना चाहेंगे कि कौन सा कानून ऐसा है जो आपको ये इख्तियार देता है कि आप सड़कें बेच दें, सड़कों को पार्किंग में कन्वर्ट करें। इन पार्किंग बेस में जब आप गाड़ी लगाते हैं रेजिडेंसी रोड एरिया पर खास तौर पर, और उसके अलावा जम्मू की और भी बहुत सारी सड़कें, आप गांधीनगर के एरिया में चले जाएं, जानीपुर चले जाएं, आपको गाड़ियां मिलेंगी जो पार्क्ड हैं वहां पर। हम जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से ये जानना चाहेंगे कि आपके पास कौन सा कानून है कि आपके पास जो सड़कें हैं उन सड़कों को आप लोग बेच देते हैं, उन सड़कों के आप टेंडर करते हैं, टेंडर करने के बाद ये सड़कें आप पार्किंग वालों के हवाले कर देते हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा कि पार्किंग में अक्सर हंगामे होते रहते हैं, रेजिडेंसी रोड हो, बहु प्लाजा हो। आज बहु प्लाजा में हंगामा हुआ, हंगामे का कारण भी यही था कि आम लोग जो बहु प्लाजा में आते हैं शॉपिंग करने के लिए, आम लोग जो बहु प्लाजा के में जो अलग अलग ऑफिस हैं अपने कामकाज के कारण वहां पर आते हैं, उनको 25 रुपया पार्किंग फीस देनी पड़ती है। अगर वो 25 रुपया पार्किंग फीस उनके पास ना हो तो आप जानते हैं कि किस तरीके से पार्किंग स्टाफ, पार्किंग में जो स्टाफ है वो किस तरह की बदतमीजी आम नागरिकों के साथ करता है। ये वो सब वीडियोज़ आप इससे पहले अलग अलग जो पोर्टल्स जम्मू में हैं उन पोर्टल्स पर वो सारी वीडियोज़ आप देख चुके हैं, उस गुंडागर्दी के विजुअल्स भी आप लोगों ने देखे हैं और वो सब चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ सामने होने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ पर, खासकर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी इस चीज़ पर तुली हुई है कि पार्किंग की फीस 25 रुपया ही रहेगी, तो आपको नहीं लगता कि बहु प्लाजा के अंदर जितने भी कमर्शियल सेंटर्स हैं उन कमर्शियल सेंटर्स के कामकाज में फर्क पड़ेगा? आप इसका इस कंपैरिजन जो नए शॉपिंग मॉल्स जम्मू में खुल रहे हैं, एक सवाल स्वाभाविक तौर पर है कि मॉल के अंदर आप चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं ये सवाल पूछते कि हम किसी का फायदा कराने के लिए जा रहे हैं तो हम ही क्यों पार्किंग फीस पे करें? क्या आपको नहीं लगता कि पार्किंग फीस ऐसी जगहों पर होनी ही नहीं चाहिए जिन जगहों में आप किसी का फायदा कराने जा रहे हैं, अपने फायदे के लिए आप इन जगहों पर नहीं जाते? दूसरा, ये भी आपके सामने रखना चाहूंगा कि कई ऐसे सेंटर्स हैं जम्मू में जिन सेंटर्स में सरकार ने खुद जिन सेंटर्स में पार्किंग बनाई हुई है और वो पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। हॉस्पिटल्स की बात पिछली बार हमने की थी, डॉक्टर्स हमसे नाराज हुए, लेकिन हॉस्पिटल्स में भी जो पार्किंग है उसमें आम नागरिक को तो पैसा देना है, लेकिन जो पार्किंग डॉक्टर्स के लिए और बाकी इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिए, खास लोगों के लिए, वीवीआईपीज के लिए, खास तौर पर पुलिस वालों के लिए, वो जहां मर्जी वहां पार्क करें, उनसे किसी किस्म की कोई पार्किंग फी चार्ज नहीं की जाती। ये वो सारे सवाल हैं जो पार्किंग के ऊपर खड़े होते हैं। लेकिन आज के बहु प्लाजा का ये जो इंसिडेंट है, ये जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के कामकाज पर सवाल खड़े करता है और इस तरफ भी इशारा करता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर जब हम फैसले लेते हैं ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर, हम आम आदमी के बारे में नहीं सोचते।